जल्दी भाई। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे जो है से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि जो स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसको एक वीडियो में मैं समराइज कर देता हूँ। क्योंकि अब ये समझ लीजिए फाइनल ओवर्स चालू हो गए हैं, तो जैसे आप अगर 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो आप 35 ओवर खेल चुके हैं, आखिरी के 15 ओवर आपके लिए बचे हैं। तो यहाँ पे चीजें बहुत जो है इंपॉर्टेंट है और आपको तुरंत एक्शन लेना है अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो। ठीक है ना, आप ये समझ लीजिए ये आखिरी के 15 ओवर 35 ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 35 ओवर तो आप खेल चुके हैं, तो अगर आप 15 ओवर बेटर अच्छे तरीके से खेल जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप 15 ओवर खराब हो गए तो आपका 35 ओवर का मेहनत भी खराब चला जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आपने वीडियो की हेडिंग देख रहे हो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम बिफोर बीइंग टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सुधर जाओ, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, बहुत छोटा सा एक वीडियो है, आपको 5 मिनट ध्यान से सुनना है, और अगर आप ये मिस्टेक करो तो आपको तुरंत अवॉइड कर लेना है, क्योंकि ये आपके रैंक को हैम्पर करेगा डायरेक्टली। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें आपको नहीं करना है। सबसे पहला प्रोकास्टिनेशन, ये सबसे गंदा बीमारी है, मैक्सिमम लोगों में होता है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना, कल परसों नहीं बाद में कर लेंगे, और ऐसे करते करते एग्जाम डे आ जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन आप किस चीजों में करते हो? मेनली आप प्रोकास्टिनेशन करते हो रिविजन में। ठीक है ना, तो आपको ये आदत अगर आप टाल रहे हो रिविजन को, ठीक है ना, तुरंत सुधर जाओ, तुरंत रिविजन चालू कर दो। ठीक है ना, अच्छा जो लो वैल्यूड फ्रेंड्स हैं उनको अवॉइड करो, सुनने थोड़ा सा बुरा लगता है ना, हम लोग हम इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं। अगर हम बोले यार फ्रेंड भी लो वैल्यू और हाई वैल्यू होते हैं, तो अगर आप कोई बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो यस, अगर आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हो तो आप किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो, किसी को भी अपना टाइम दे सकते हो। बट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो लो वैल्यूड फ्रेंड्स जो है ना उनको अवॉइड करो। लो वैल्यूड फ्रेंड्स कौन होते हैं? जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ आपके बहुत खास फ्रेंड्स होते हैं जिनके जिनके साथ आप हर लाइफ का मोमेंट शेयर करना चाहते हैं। कुछ फर्जी भी होते हैं ऐसे, फोन लगा लिया आपको पता है फर्जी आदमी आपको पीछे रोज गाली देता है, आप उससे रोज बात कर रहे हो, आपको पता है कि ये पढ़ने में ध्यान नहीं देता, जब भी आपके साथ बैठता है 2 घंटे बच जाता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं उनको टाइम बीइंग के लिए आप अवॉइड करिए। टाइम बीइंग के लिए पेपर हो जाए उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा, आप जैसा भी चाहे अपनी लाइफ के साथ कर सकते हैं। वैसे मैं तो कहूंगा गोल लाइफ के लिए ही ये फंडा ठीक है कि जो ऐसे फर्जी दोस्त हैं उनको अवॉइड करो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोशल मीडिया के बिना एक, जैसे मैं तुमसे कहूँ सोशल मीडिया यूज करना बंद करो, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है आज के जमाने में। सोशल मीडिया हमारा जरूरत है ना, हम टेलीग्राम ग्रुप्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज करते हैं, है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करते हैं कंटेंट के लिए। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं। सोशल मीडिया का यूज आपको अपडेट करने के लिए भी आजकल लोग करते हैं, लेकिन अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया यूज ओनली वेरी लिमिटेड। सोशल मीडिया में क्या आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, जितना भी प्लेटफॉर्म है, अननेसेसरी यूज नहीं करना, काम का इस्तेमाल करो बस, उससे ज्यादा नहीं, फालतू के काम। ठीक है, जितने भी अनप्रोडक्टिव वर्क आप कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव वर्क बहुत सारे हो सकते हैं, लोटा पी के मस्त हो, है ना, हुक्का पी के दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, जितना भी अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, मतलब जहां पे आप टाइम वेस्ट हो रहे हैं, मतलब फर्जी किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं आपका जा रहा है, पिक्चर देखने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें अवॉइड करो। आप देखोगे कौन सा, देखो जब नॉर्मल हम लाइफ जीते हैं ना तो हम बहुत सारा जो काम है वो अनप्रोडक्टिव करते हैं, बट जब हम कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लास्ट फेज में, फेब में आपका एग्जाम है, अभी आपके पास हार्डली 4 to 5 months बचे हैं, आप इसमें कोई भी अनप्रोडक्टिव वर्क अफोर्ड नहीं कर सकते, इमीडिएटली स्टॉप कर लो। टॉक्सिक रिलेशंस, अब रिलेशंस को नाम नाम पे ना अगर किसी से बोलोगे तो गर्लफ्रेंड का मतलब समझता, मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड समझता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल वालों को वैसे भी होती नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो आपको फोन करके जहर देते हैं आपके दिमाग में, टॉक्सिक जहर रहते हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जिंदगी में, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, ठीक है, उनको अवॉइड करना चालू कर दो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग बने ही आपको गाली देने के लिए। आप राष्ट्रपति भी बन जाओगे तब भी आपको गाली देंगे वो, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तब भी वो गाली देंगे, वो बने हैं, उनका काम है आपको गाली देना। ठीक है ना, आप उनको अवॉइड कर दो इस समय का, एटलीस्ट अवॉइड करो, बाद में तो आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ, बट अभी के लिए इनको बिल्कुल सुनो ही मत, समझ लो कि ये ऐसे ही बने हैं, क्या करना क्या है इस समय, सबसे जरूरत क्या है, गिव टाइम टू योर सेल्फ, आप खुद को समय दो। तो बहुत लोग बोलेंगे सर खुद ही को तो समय देते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं, बढ़िया टाइम पास होता है, आपने खुद को टाइम देगा, खुद को टाइम दो अच्छी चीज के लिए, ठीक है ना, जैसे आप खुद को टाइम दो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, है ना, थोड़ा मेडिटेशन योगा करो, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए खुद को टाइम दो, थोड़ा वर्कआउट आप करते रहोगे तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। ठीक है, आप सबसे मेन चीज जो शेड्यूल बना रहे हो उसके साथ स्टिक करो, समझ लो नहीं समझ लो, आप शेड्यूल तो बनाते हो, अभी तक आप शेड्यूल बना सीख रहे हो उसको स्टिक नहीं कर रहे, उसके साथ स्टिक करो शेड्यूल के साथ। अच्छा, मोटिवेशन बाहर से ना आए, अंदर से आपको लगे ही करना है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो देख देख के आप मोटिवेशन ले, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब आदमी अंदर खुद आग होता है यार कि मुझे सक्सेस पाना है, तो सारी चीजें साइड लाइन लगता है। अगर आपको अर्जुन की जैसे चिड़िया का सिर्फ आंख दिखेगा ना, तो बाकी जब आप चिड़िया की आंख में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो बाकी चीजें अपने आप फेड हो जाती है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह है,
आपको कॉन्सेंट्रेशन 40 चीजों जगह से हटाना नहीं होता, आपको एक जगह फोकस करना होता है। जब आप एक जगह फोकस हो जाते हो ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 40 जगह से हट के अपने आप एक जगह लगेगा। तो ध्यान रहे, आपको एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप हट जाएंगे। दो चीजों पर उसके बाद ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात तो इस समय ऐसे दोस्त बनाओ, लोग जैसे बोलते ना अच्छे दोस्त बनाओ, तो लोग ये समझते हैं अच्छे दोस्त भाई ऐसे वो भरने देने वाला, ऐसा नहीं। प्रिपरेशन में लास्ट स्टेज में उन लोगों से दोस्ती करो जो प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है, वो खुद भी पढ़ेंगे आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद पे भरोसा रखो और भगवान पे भरोसा रखो। तीसरे आदमी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद पे भरोसा कि आप कर सकते हो, और भगवान पे भरोसा रखो कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, जरूरी है। जैसे खुद पे भरोसा तो कर सकते हैं, बहुत लोग कहेंगे सर हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान पे भरोसा कैसे कर ले, कर लो, उसमें थोड़ा मन को शांति मिलता है। मैंने भी भगवान नहीं देखा, शायद किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है ना। बट बिलीवर बनो, बिलीवर बनो थोड़ा क्या है, आदमी का दिमाग शांत होता है, उसे मेंटल पीस मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो लास्ट टाइम बिफोर प्रिपरेशन है वो बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रैंक लाने वाले हो।